नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। खबर नरेंद्र नगर से है, जहां पर कुंजापुरी सिद्धपीठ में मंदिर मन्नते मांगने पहुंचे दूल्हे ने नरेंद्र नगर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत के समर्थन में नारे लगाए हैं। जब अपने समर्थकों के साथ ओम गोपाल रावत पट्टी में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपने लिए वोट मांग रहे थे। इस चुनाव प्रचार में पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह कंडारी और कांग्रेस वरिष्ठ नेता जगमोहन सिंह भंडारा सहित सैकड़ों कांग्रेसी प्रत्याशी मौजूद रहे। पूरा जनता का हुजूम जो है इतने कम समय पे जो है सड़कों पे उतर आया है। आज चुनाव यहाँ नरेंद्र नगर में मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कांग्रेस नहीं लड़ रही, बल्कि जनता स्वयं जो है परिवर्तन के लिए लड़ रही है। जनता खुद बदलाव के लिए जो है लड़ रही है, वो आप लोग देख रहे हैं। जगह जगह जो है पूरा यूथ का, महिलाओं का, हमारे वृद्धों का, हमारे बुजुर्गों का, सब लोग इस टाइम जो है बदलाव चाह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से जो है भाजपा ने जो है पिछले 5 सालों में जो है इस पूरे प्रदेश को जो है निकम्मा बना दिया है। पूरे प्रदेश में जो है रोजगार के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, स्वास्थ्य के प्रति हो, जिस तरह से ये लोग जो है आज की डेट में धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग जो है आज की डेट में जो है रोजगार की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग जो है आज की बात में डेट में जो है स्वास्थ्य सेवाएँ हो, चाहे जो है शिक्षार्थ हो, सेवार्थ हो, सारी बातें जो है इनकी झूठी है, निकम्मी है। और ये लोग जो है सिर्फ 5 सालों में जो है अपना चेहरा दिखाते हैं। जो सरकार महंगाई को कम नहीं कर सकती है, जो सरकार भेदभाव करती है, और जो सरकार यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा को जन्म देती है, और यहाँ 50 अगर किसी गांव में या नीरी है, अगर यहाँ 100 परिवार रहते हैं तो केवल एक परिवार का विकास होता है, तो मैं इसको विकास नहीं मानता हूँ। मैं विकास तब मानता हूँ जब 100 परिवारों का विकास हो, तो फिर उसको हम नेता मानते हैं। रुड़की में भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक प्रदीप बत्रा ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। वहीं इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी ने विशेष समुदाय के बाहुल क्षेत्र में इमली रोड पर भी क्षेत्रीय लोगों से जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने सभी क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात की और मौके पर लोगों ने भी भाजपा प्रत्याशी का स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान वार्ड नंबर 33 के पार्षद संजीव राय और पूर्व पार्षद फजलुर रहमान भी भाजपा प्रत्याशी के साथ रहे। लोगों के दिल दिल में बसे हुए हैं, वो यहाँ भरपूर सहयोग है लोगों का। लोगों ने खुद बुलवाया, उन लोगों ने बुलवाया कि भाई हमारे क्षेत्र में भी आओ विधायक जी, हमारे से भी हमारा समर्थन देंगे, हम भी समर्थन देंगे। लोगों ने समर्थन दिया। क्या लगता है विधायक जी, कुछ मुस्लिम समाज से? मुस्लिम समाज से कम से कम 7-8 हज़ार वोट विधायक जी होंगे। इस तरह से नहीं है यशपाल राणा जी से, कोई दिक्कत नहीं है यशपाल राणा जी को मुस्लिम वोट आप देखना कितने, 10 हज़ार से भी नीचे सिमट कर रह जाएंगे। बाकी विधायक जी लेंगे 8 हज़ार वोट बैंक माना जाता होगा, लेकिन सारा ही कांग्रेस का वोट बैंक तो नहीं है ना, दिल से जुड़ा हुआ भी तो है ना। खबर नरेंद्र नगर से है, जहां पर 2022 विधानसभा चुनाव में जीत के लिए हर राजनीतिक दल डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में लाने के लिए कई तरीके अजमा रही है। इसी क्रम में नरेंद्र नगर विधानसभा से यूकेडी के प्रत्याशी सरदार सिंह पुंडीर अपने चुनाव भ्रमण के दौरान नरेंद्र नगर पहुंचे। लाल लश्कर के साथ यूकेडी के सरदार सिंह पुंडीर ने बाजार में व्यापारियों से जनसंपर्क साधते हुए आगामी 14 फरवरी को यूकेडी के चुनाव निशान कुर्सी पर मतदान करने की अपील करते हुए अपने मांगे। देखो, हमारा सबसे पहले तो ये है कि उत्तराखंड बचाने का जो हमारा संकल्प है उत्तराखंड क्रांति दल का, उस चीज को लेके हम चल रहे हैं। पर यहाँ पे जहाँ तक सवाल है, हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ पे जो प्लान हो रहा है उसको रोकने का हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है उसका मुद्दा, और खासतौर से मैं नरेंद्र नगर की बात करूंगा तो नरेंद्र नगर को जिला बनाने का हमारा पहला मुद्दा होगा। यहाँ पे जो लॉ कॉलेज की जो बहुत पहले घोषणा हो चुकी है, मगर लॉ कॉलेज घोषणा होने के बावजूद भी जो ये विधायक लोग, जो पूर्व विधायक लोग हमें छल रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं तमाम जितने भी यहाँ से जो कार्यालय, जो जिला स्तर के कार्यालय तमाम जो शिफ्ट हो चुके हैं, मैं अगर जीत गया उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी से तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों के सामने कि वो तमाम जो मैं यहीं शिफ्ट करूँगा, ये मेरा वादा भी है। हम जो है उत्तराखंड क्रांति दल के सिपाही हैं, हम इस राज्य को बचाने के लिए तमाम विधानसभा में घूम रहे हैं,
और लोगों का बहुत ही भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। सभी क्षेत्र पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पार्टियों के हालात हैं, वो चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, इन्होंने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इनको जो है दल बदलू बने हुए हैं, कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है कर रहे हैं, जनता का सूद लेने वाला कोई नहीं है। अवश्य उत्तराखंड की जनता जो है उत्तराखंड क्रांति दल को जो है नैनगर विधानसभा से भाई सदाशिव पुरी जी को विजय बनाएंगे, विधानसभा भेजेंगे, उनके उन भ्रष्टाचार के खिलाफ भाई सदाशिव पुरी जी आवाज़ उठाएंगे और उत्तराखंड क्रांति दल की जो है 2022 में जो है सरकार बनेगी। सुल्तानपुर पट्टी के कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने बाजपुर के जीएम गार्डन में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में हमारी अनगिनत विकास कार्य किए हैं, इसके साथ ही यहां के राजस्कल तत्वों पर बोलबाला था उसके बावजूद समाप्त कर दिया गया, एक शांति का माहौल बनाया गया। आगे कहा कि आप लोग ऐसे विधायक को चुनना चाहते हैं जो क्षेत्र का माहौल खराब करे। वही जिला पंचायत सदस्य मेनिका देवी कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने के लिए डोर टू डोर चुनाव का प्रचार किया और यशपाल आर्य को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प लिया। हमने तीन तीन यहाँ पर हमने बिजली घर बनाए, हमने जो भी यहाँ हाई स्कूल हो इंटर कॉलेज हो सारे बिल्डिंग्स हमने बनाई है। 2-3 करोड़ की लागत से कोई भी एक ऐसा विद्यालय ही नहीं है जो भवनहीन हो। और दूसरी तरफ हमने जो पानी की समस्या बनी है, स्वच्छ पानी लेने की जो हमारी मंशा रही, हमने जब मैं पहली बार शुरू किया है तो यहाँ पर सुल्तानपुर पट्टी में हमने नलकूप हमने का निर्माण कराया, ग्रामीण क्षेत्र में हमने सिंचाई के लिए नलकूपों की व्यवस्था की है, तो लगातार काम किया। 14,000 पेंशन विधवा बहनें हैं, वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, जिनके पास बहुत गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर 14,000 पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन यहाँ मिल रही है। सुल्तानपुर में एसएसपी ने सुरक्षा बलों के साथ विधानसभा क्षेत्र में बाजपुर में फ्लैग मार्च किया। एसएसपी विमलाचार्य ने कहा कि आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए टीम अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी प्रकार के अराजक तत्व बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह से बाधा पहुंचाने वाले संभावित व्यक्तियों, अराजक तत्वों, किसी भी तरह के पूर्व आपराधिक कृत्यों में संलग्न व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव है 14 तारीख को, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, सभी निर्भय निष्पक्ष रूप से बिना किसी प्रलोभन के दबाव के अपना फ्री विल जो है, डेमोक्रेटिक विल जो है, अपनी इच्छा से जो है अपने जनता जो अपने उम्मीदवार चुने, इसलिए हम लोगों का ये फ्लैग मार्च ये आशय से है कि लोग निर्भीक रहें, पुलिस और प्रशासन लोगों के साथ, जनता के साथ, यही उद्देश्य। चुनाव के कुछ ही दिन पहले ऋषिकेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा। पूर्व सभासद और भाजपा के सक्रिय नेता रवि जैन ने कांग्रेस का दामन थामा है। रवि जैन के कांग्रेस में आने के पीछे सबसे अधिक प्रयास समन्वय समिति के अध्यक्ष राजपाल खरोला और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ललित मोहन मिश्रा बताया जा रहा है। रवि जैन के कांग्रेस में आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी यजेंद्र रमोला जी को पाने की मजबूती से प्रदेश के महामंत्री राजपाल खरोला जी, इन सबका हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज वापस अपने घर में वापसी करने का अवसर प्रदान किया। और जहाँ तक बात है भाजपा छोड़कर आने की, तो मैं आपको बता दूँ, आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी उनकी कुरूतियों से तंग आकर मैं कई वर्ष पूर्व छोड़ चुका हूँ। शायद जनता के संज्ञान में इसलिए नहीं कि मैं जनसेवा के कार्य में लगा रहा लगातार, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने जो वादे किए पिछले कई वर्षों में, 7-8 साल जिनके केंद्र में सरकार को हो गए हैं, चाहे वो महंगाई से लेकर, रोजगार से लेकर, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, अगर वो उज्ज्वला योजना की बात करें तो सिर्फ वो मुझे लगता है ढकोसला है, विज्ञापन पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, और शहर से लेकर और पूरे प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जो हैं जन विरोधी हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। रवि जैन जी से अजीत भाई ने भी प्रयास किया कि कांग्रेस ज्वाइन किया जाए, जिससे कांग्रेस मजबूत हो, प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन सके। तो आज माननीय देवेंद्र प्रभारी जी प्रभारी उत्तराखंड कांग्रेस के साथ जाकर देहरादून में जाकर उनके हमने रवि जैन जी ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करी। और चूंकि रवि भाई हमारे छात्र जीवन से ही कांग्रेस NSY जुड़े रहे हैं, उस समय NSY के बैनर से उपाध्यक्ष भी रहे छात्र संघ में, तो
तो बच्चों की जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, उड़ी जहाज का पंछी उड़ी जहाज पर आवे। तो रवि भाई भी आज हमारे साथ वापसी कांग्रेस में की है हमारे, और मैं चाहूँगा कि हमेशा कांग्रेस का परचम लहराने में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। वही उत्तराखंड में चुनावी दंगल चरम पर है। राजनीतिक पार्टी प्रत्याशी जनता के सामने अपना अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में लगी सहसपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर, जो सिटिंग विधायक भी हैं, अपने इन 5 सालों में किए हुए विकास कार्यों को जनता के बीच बखूबी रख रहे हैं। आज सहसपुर विधानसभा प्रत्याशी ने जलवायु टावर झांझरा नौगवा व मांडुला में प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया और कहा कि सहसपुर वासियों ने भारतीय जनता पार्टी नीतियों से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व मुख्यमंत्री व लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी हरित श्रावत के पक्ष में लालकुआ पहुंचकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने वितखुंदा क्षेत्र के नुक्कड़ सभाएं की। नुक्कड़ जनसभा करते हुए लालकुआ के चौमुखी विकास के लिए हरित श्रावत को जिताने की अपील की है। इस दौरान बिंदु खत्तक में आयोजित नुक्कड़ सभा में राज्यसभा सांसद प्रवीण टमटा ने कहा कि दलित समाज का हर दुख दर्द हरित श्रावत बखूबी समझते हैं। उनके शासनकाल में कई ऐतिहासिक कार्य भी किए गए। नौजवान के, व्यापारियों के, अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के, हरीश रावत एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने वादा किया हम कांग्रेस की तमाम लोगों की, उत्तराखंड की जनता को, जो विकास को भाजपा ने 5 सालों में रोका है, हम इस विकास के जो पहिए को रेल पटरी से बाहर गया उसको दोबारा पटरी में लाएंगे। और साथ ही साथ मैं बिंदु खत्ता के जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, लालकुआ से आपकी जो धरती है, आपका जो काम है, आपका जो मांग है कि इसको यहाँ पर जो मालिकाना हक है हम इसको भी पूरा करेंगे। हम दलितों के साथियों को भी ये अनुरोध याद दिलाना चाहें, कांग्रेस ने वादा किया है जो दलितों के सरकारी पदों में खाली पड़े हैं उस पदों को भी भरेंगे। तो ये रही उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।